हेलो फ्रेंड्स, हमें बुक्कड़ नंबर वन और फ्रेंड्स ये मेरे डोले, ये मेरे शोले और ये मेरा बुक्कड़ पेट। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, ये दो बुक्कड़ पहुंच चुके हैं जयपुर में। जयपुर में पराठा जंक्शन पर, यहाँ पर की वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पराठा मिलता है। अभी मेरे टेबल पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये पूरा 32 इंच का पराठा है और बिना भाई के होश उड़ गए हैं देख के इस पराठे को कि अरे भाई इतना बड़ा पराठा। तो फ्रेंड्स जो हमने दिल्ली में खाया था ये उससे बाकी में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इस पराठे को यहाँ पे बता रहे थे भैया, इस पराठे को अभी तक 4 लोग भी ख़त्म नहीं कर पाए हैं और हम सोच रहे हैं मैं और बिना भाई इस पराठे को ख़त्म करने वाले हैं। कर दोगे आधा पराठा? कर दोगे पूरा नहीं तो? हाँ तो फ्रेंड बिना भाई कह रहे हैं आधा पराठा तो कर ही देंगे, तो फ्रेंड आधा पराठा मुझसे भी कौन सा बचने वाला है। तो फ्रेंड देखते हैं, इतनी सारी डींगे हाँक रहे हैं हम आपके इन डींगों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं। मैं तो पूरा जोश मोश में आया हूँ यहाँ पर और मैं ख़त्म ही करके जाने वाला हूँ, मैं तो नहीं रुकने वाला। तो काफ़ी मज़ा आने वाला आज के चैलेंज में। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पराठा है, मैं आपको 12 बता रहा हूँ, आप काफ़ी मज़े लेने वाले हो। अगर ये पराठा हमने खा लिया तो यहाँ पर भी अपना नाम करके जाएंगे अच्छी तरह से। वैसे इसका प्राइस तो पेमेंट तो करके जाना हमको, करीब 720 रुपये का ये पराठा है, 720 का एक पराठा है, ठीक है। तो फ्रेंड 720 रुपये पे करके जाएंगे यहाँ से। और आप देख सकते हो क्या क्या दिया गया इसके साथ, एक तो बड़ा सा बाउल है दही का और साथ में ये चटनियाँ, रेड चटनी और ग्रीन चटनी। और बिना भाई तो देख जा रहा है पराठे को ही, कुछ कहोगे कि नहीं? बस ऐसे ही हो छोड़े अभी तुम्हारे पराठे को देख के। हाँ ये मक्खन है। तो फ्रेंड्स इस छोटी इस कटोरी में देसी मक्खन है, आप देख सकते हो देसी मक्खन की कटोरी और हम देसी और आप हमको ना बोले हम भी ये देसी। और ये देसी मक्खन हमारे सामने, इस मक्खन को कौन चुपड़ने वाला पराठे पर देखा जाएगा। तो जो भी हो मज़ा आने वाला है, मुझे लगता है पराठा ठंडा हो जाए तो देर न कर दो, शुरू करना चाहिए और बुक्कड़ पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। तो 3-2-1 गो। साइड में हो जाओ साइड में, तवाही मचा दूंगा। तो फ्रेंड एक्स्ट्रा मटेरियल साइड में हो गया। ये पराठा काफ़ी मोटा है, पहले बता देता हूँ आपको, काफ़ी मोटा पराठा है। आटे की थिकनेस ज़्यादा है, कच्चा आटा है।
तो फ्रेंड्स इस पराठे को खाते खाते हमको करीब 13 मिनट हो गई हैं। तो आप देख सकते हो तो थाली का करीब आधे से ज़्यादा पराठा ख़त्म हो चुका है, आधे से कम पराठा बचा है, वो और खाना है। यहाँ पर कोई टाइम की लिमिट नहीं है, ख़त्म करना है तो दो जनों को बस। मुझे क्या लगता है आगे बढ़ पाओ और तो बिना ही लगे हुए हैं।